ऐसी कोई बात नहीं है, खुश थे, अरे पूरा खुश थे, लगता था कि बहुत खुश थे हम लोग। बाकी जब चुनाव बीत गया, जब मोदी जी चौकीदार बन करके हम लोग के विषय में कुछ नहीं सोचता है कि कौन सा नौकरी करते हैं, तो ये नहीं बताते हैं कि हम लोग चौकीदार हैं। अगर वेतन अच्छा रहता तो हम लोग खुल कर कहते कि चौकीदार, और व्यवहार करिए तो आप क्यों कम रहेंगे भाई, आप भी कह लीजिए। बाकी 2500 रुपया तो लगता है कि पालिस तो लोग कहते हैं, बोलिए जय श्री राम। पालिस नहीं, पहले बोलिए जय श्री राम। देखिए जय श्री राम, जय भगवान, ऐसी कोई बात, आपका वेतन पूरा होगा, देंगे आप। काहे भगवान जी ऊपर से ले आकर छोड़ देंगे क्या? नहीं, आप पूरी तरीके से मुख्यमंत्री वाली बात बोल रहे हैं। अरे कितना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बताइए। अभी बहुत जय श्री राम बोला, अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोग बोले 1000 करोड़, उसमें से 200 करोड़ भी उसमें से 300 करोड़ दे देते तो हम लोगों को 70,000 की रोजी रोटी अच्छी से चलती। पैदल मुंबई से चले आए थे तो हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, दिल्ली चला जाएंगे हम लोग पैदल। मोदी जी कहते हैं हम भी चौकीदार हैं, वो बोले थे, तो इसी पर खुशी मनाना चाहिए था आपको कि मतलब मोदी जी बोले हैं ब्रांड एम्बेसडर, और उसके बाद में क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऐसे मतलब। हाँ तो खुशी तो मनाए थे ना, चौकीदार बोले थे तो हितई नतई में हम लोग फूल कर जाते थे, हितई नतई के लोग पूछते थे कि आप कोई साली जीजा चौकीदार हैं, मोदी जी चौकीदार हैं, तो खुशी वाली बात है। उस समय खुशी थे, ऐसी कोई बात नहीं है, खुश थे, अरे पूरा खुश थे, लगता था कि बहुत खुश थे हम लोग। बाकी जब चुनाव बीत गया, जब मोदी जी चौकीदार बन करके हम लोग के विषय में कुछ नहीं सोचे, चौकीदार नाम बदल दिए, फिर से पीएम मोदी लिख दिए। हाँ जी जी, तो पार चल गया, चल गया। हाँ तो उसी को पा करके पहले हम जो रिश्तेदारी में खुशी से कहते थे, आज उसका नाम चौकीदारी का नहीं लेते हैं हम लोग की चौकीदार हैं। जैसे जाते हैं तो कोई पूछता है कि कौन सा नौकरी करते हैं, तो ये नहीं बताते हैं कि हम लोग चौकीदार हैं। अगर वेतन अच्छा रहता तो हम लोग खुल कर कहते कि चौकीदार। वेतन 2500 रुपये मिल रहा है और क्या देश लिख दें आपके नाम। देखिए 2500 सही, आपका कहना सही है, आप क्यों कम रहेंगे। अरे हम लोग के सरकार शुरू से और व्यवहार करी है तो आप क्यों कम रहेंगे भाई, आप भी कह लीजिए। बाकी 2500 रुपया तो लगता है कि पालिस तो लोग कहते हैं, बोलिए जय श्री राम। पालिस नहीं, पहले बोलिए जय श्री राम। देखिए जय श्री राम, जय भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जय श्री राम की कोई बात नहीं है। अरे उस समय कहे तो हम लोग खुल कर वोट दिए। अरे सुनी जाई, सुनी जाई, जय श्री राम बोलिए। अरे सारे लोग बोलो जय श्री राम, आप आपका वेतन पूरा होगा, देंगे आप। काहे भगवान जी ऊपर से ले आकर छोड़ देंगे क्या? नहीं, आप पूरी तरीके से मुख्यमंत्री वाली बात बोल रहे हैं। अरे कितना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये बताइए। अभी बहुत जय श्री राम बोला, अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोग बोले, अभी भी आप बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका नाम चौकीदार से बदल के ग्राम प्रहारी रख दिया, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम बहुत बोले, लेकिन भगवान जय श्री राम भगवान है तो उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम लोग का वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो क्या बोले, बोलने का मन नहीं कर रहा। जय श्री राम। मठाधीश महान माननीय योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और उनके खिलाफ ये चौकीदार 2500 रुपये मिल रहा है, तब भी खिलाफ आके यहाँ बैठ गए। ईमानदार हैं ठीक है, लेकिन हम लोग जब नहीं सुन रहे तो हम लोग क्या माने कि ईमानदार हैं। जब हम लोग का ईमानदार तब कहा जाता है जब अपनी बात से मुकर गए, कैसे ईमानदार हैं? 10 वर्ष हो गए ईमानदारी का दर्जा देने के बाद भी मुकर गए, 10,000 का दो बार इनका शासन चला वो भी मुकर गए, योगी आदित्यनाथ अपनी बात से मुकर गए, कैसे ईमानदार मानो? मुकर देना चाहिए तब तो हम समझते ईमानदार हैं, नहीं तो हम कैसे समझेंगे ईमानदार हैं, कैसे जय श्री राम का नारा लगाएंगे? हम लोगों को दुख दर्द राज कर्मचारी का दर्जा दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। राज कर्मचारी दर्जा दे दे, या तो वेतन न्यूनतम वेतन बढ़ा कह दे, बन जा रहा है और यही बंदरी सेना, और इनके उद्धार ही नहीं हो रहा है, तो जय श्री राम का नारा तब लगेगा जब कई सौ करोड़, हाँ मेला में कई सौ करोड़ रुपए खर्च, वो एक कुंभ मेला लगा था, कितना करोड़ था जी? 25,000 करोड़, 25,000 करोड़, उसमें से
200 करोड़ भी उसमें से 300 करोड़ दे देते तो हम लोगों को 70,000 की रोजी रोटी अच्छी से चलती।